तो हे गाइस, आपके मोबाइल में जो जंक फाइल है उसको आप डिलीट कर सकते हैं गूगल फाइल के द्वारा, और आपको गूगल फाइल में मिल जाएगा एक अच्छा म्यूज़िक प्लेयर, और आपको वीडियो प्लेयर भी मिल जाएगा, और साथ में आपको मिल जाएगा फाइल ट्रांसफ़र करने का भी एक अच्छा इसमें फीचर, जिससे आप कोई भी एक फाइल को दूसरे मोबाइल में आसानी से सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मिल जाएगा डुप्लीकेट फाइल डिलीट करने का भी एक ऑप्शन, जिससे आप डुप्लीकेट फाइल को आसानी से डिलीट कर सकते हैं, वो भी गूगल फाइल में। चलिए हम शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो आपको सबसे पहले अपना गूगल फाइल ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे क्लीन का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे 2 से 3 सेकंड वेट करना पड़ेगा। बाद में आपको यहाँ पे जंक फाइल का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। बाद में आप यहाँ से आसानी से डिलीट कर सकते हैं जो भी आपके मोबाइल में 1 या 2 GB का जो जंक फाइल है, आप उसे आसानी से डिलीट कर सकते हैं। फिर आपको क्लीन का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बाद में यहाँ से आपका जो जंक फाइल है वो आसानी से डिलीट हो जाएगा, आपके फ़ोन में उतना स्टोरेज बढ़ जाएगा। तो दूसरे नंबर पे जो फीचर है डुप्लीकेट फाइल्स का है, यानी इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में जो 1 या 1 से अधिक 2 गाने रहेंगे उसे आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं, चाहे फ़ोटो हो, चाहे वीडियो, चाहे MP3 सॉन्ग, कुछ भी हो, जो अगर एक ही फाइल 2 बार या 3 बार रहेगी, आप उसे यहाँ से आसानी से क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, जिससे आपका स्टोरेज बढ़ जाएगा। और मैंने इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप जब यहां पे ब्राउज़र में क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे मिल जाएगा डाउनलोड फोल्डर्स, MP3 फोल्डर्स, वीडियो फोल्डर्स, कॉल रिकॉर्डिंग, ईमेल्स, ऑडियो, सब आपको यहां पे मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट भी शेयर करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐप, इंटरनल स्टोरेज, यानी आपको यहाँ पे पूरा फाइल मैनेजर मिल जा रहा है, आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। बाद में आपको यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे मिल जाएगा, कोई फाइल रिसीव करने के लिए कोई फाइल सेंड करना है तो आप यहाँ से आसानी से रिसीव और सेंड कर सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही।